हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ब्लूटूथ हेडसेट। मैंने ऑनलाइन बहुत ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में सर्च किया। मैं ये चाहता था कोई एक सस्ता और टिकाऊ सा मिल जाए जिसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो। तो मैंने काफ़ी सर्च किया ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में और एक मुझे मिला टैग इन्फर्नो, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया। ये मिला है मुझे 2250 रुपये में। ये ब्लूटूथ हेडसेट मिला है मुझे अमेज़ोन से 2249 रुपीज़ में, और ये ज़्यादातर आपको मिलेगा 2499 में। और ये कभी कभार ये कुछ छूट दे देते हैं, जैसे वो डेली सेल वगैरह, तो उसमें आपको ये 2249 का मिल सकता है। तो आप उसी दिन का इंतज़ार कीजिए जब ये आपको 2249 का मिले, और तभी ऑर्डर कीजिए। तो इसे खोल के मैं फिर बताता हूँ ये कैसा है। ऑनलाइन तो बहुत अच्छी इसकी सुने थे रिव्यूज़, रियलिटी क्या है ये आज देखते हैं हम। इसे खोलने के लिए हमें काम में लेने होंगे एक कपड़े काटने वाली कैंची और एक सब्जी काटने वाला चाकू। जी हाँ, विनर इन स्पोर्ट्स ऑडियो, देखते हैं विनर है या लूजर है, वो तो अब हम पता कर लेंगे। पैकिंग तो ठीक ठाक ही लग रही है देखने में। बिल्ट इन माइक्रोफोन, IPX4 स्प्लैश प्रूफ, नॉइज, अच्छा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है इसमें, पैसिव है। स्टीरियो म्यूजिक, iOS एंड्रॉयड सब पे चलेगा। कैरिंग केस भी मिला है, चलो अच्छी बात है। अब हम खोल के देखते हैं ये है क्या चीज। बॉक्स को साइड पर रखते हैं। कैरी केस थोड़ा प्लास्टिक ही सा लग रहा है, लेकिन केस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ब्लैक और रेड का कलर भी अच्छा लग रहा है, कुछ तो है शायद इसमें, देखते हैं। कुछ कीमती दस्तावेज, एक स्माइली हंसता हुआ, ये भी अच्छी बात है। ओह, पीछे रोता हुआ स्माइली भी है, अगर हम हैप्पी नहीं है तो। चलो वो देखते हैं अभी हमारा कौन सा स्माइली बनता है, हंसता हुआ या रोता हुआ। जरूरी जानकारियां इन्हें हम बाद में कभी पढ़ेंगे फुर्सत से। वाह, कुछ नहीं, जो कुछ भी है इस केस में है। मेन हेडसेट, एक्स्ट्रा ईयरबड्स वगैरह, एक USB टू मिनी USB केबल, और एक्स्ट्रा ईयरबड के सिर्फ दो सेट हैं, और ये वायर एडजस्ट करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा कैमरा एडजस्ट हो जाए, वायर तो एडजस्ट होती रहेगी। इस वायर पर ये छोटा सा एक रबर बैंड टाइप का कुछ लगा हुआ था, इसे आप कैंची से मत काटना, हाथ से निकालना, क्योंकि गलती से आपकी वायर भी कट हो सकती है इसमें, तो हाथ से ही निकालना इसे, जो ये छोटा सा रबर बैंड लगा हुआ था। तो हमें ये सब कुछ मिलता है इस केस के अंदर, तो देखते हैं हम कैसा है ये, चेक करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये इस हेडसेट की राइट साइड है, इसी पर आपको सब कुछ मिलेगा। ये चार्जिंग पोर्ट, ये वॉल्यूम प्लस माइनस, ये चार्जिंग पोर्ट, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स, और ये है राइट साइड। और इसकी लेफ्ट साइड हमें
कुछ भी नहीं मिलेगा। और दोनों का वेट लगभग सेम ही है, सेम ही है वेट दोनों का। और इसे मैंने लगा के भी देखा था ईयर्स पे, तो ये फॉल नहीं करते। इस हेडसेट के राइट साइड पर जो ये लोगो दिख रहा है, यही ऑन ऑफ का बटन भी है। इसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ एक ब्लू लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी, मतलब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। तो अब हमें अपना ब्लूटूथ ऑन करके ये ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में है। तो अब हमें अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करके इसे कनेक्ट करना होगा। अब बात आती है मेन मुद्दे की, यानी कि म्यूज़िक कैसा है इस टैग इन्फर्नो का। तो मैंने इसकी तारीफ़ें जो सुनी थी बहुत सुनी थी, इसके रिव्यूज़ वगैरह लोगों से देखे थे बहुत, तो इसलिए मैंने सोचा इसी को लेना चाहिए। 2250 में इसे मैंने इसे लिया और इसकी साउंड मैं कहूँगा 10 में से 3 नंबर, मुझे एकदम पसंद नहीं आई। मैंने इक्वलाइज़र सारे ऑफ़ कर दिए थे और मेरे पास इक्वलाइज़र जो मेरे फ़ोन में वो है वाइपर फॉर एंड्रॉयड, सबसे पावरफुल इक्वलाइज़र जो किसी भी घटिया से घटिया ईयरफोन से भी अच्छी आवाज़ निकलवा सकता है। मैंने ऑफ़ करके चेक किया, ऑन करके चेक किया, मुझे एकदम मज़े नहीं आए। हाइस नहीं है, मिड एकदम मडी सी और बेस तो रहने दो। तो अगर आपको कोई भी ईयरफोन में हेडफोन के रिव्यूज़ में कहते हैं ना एडुकेट बेस, मॉडरेट बेस, ठीक ठाक बेस, उसका मतलब उसमें घंटे की बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे एकदम ये पसंद नहीं है, इसकी साउंड एकदम ऐसे 200-300 रुपए के ईयरफोन जैसी साउंड है इसकी। तो मूड हो तो ख़रीद लेना। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने एक दो सुने थे कह रहे बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ एकदम अच्छा नहीं है। मैंने एक बीच में से लिया था QCY का QY8 जो कि मुझे 1300 रुपए का मिला था, उसकी साउंड इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, और बेस तो एकदम कहना ही क्या, बहुत अच्छी थी। तो अब मैं दोबारा से उसी को ख़रीदूँगा थोड़े टाइम बाद, अभी तो इससे काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने पैसे वेस्ट कर चुका हूँ खरीद के। इसकी एक बात अच्छी है कि कानों से गिरता नहीं, तो इसे जॉगिंग वगैरह के लिए चाहिए या ऐसे नॉर्मल म्यूज़िक के लिए कि बस कुछ ना कुछ चलता रहे, ठीक है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ले सकते हो। अदरवाइज़ इसे रहने दो, कोई और ऑप्शन देख लो। और मैंने इसे इससे सस्ते अच्छी साउंड में मैं सुन चुका हूँ, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ ये ख़राब है, मैं खुश नहीं हूँ, नॉट हैप्पी विद दिस।